नमस्कार है प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि आपका 18 जुलाई को हुआ है थर्ड शिफ्ट में। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, पहले हम लोग 2023 के पेपर को करेंगे, फिर 2022 के सभी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2021 के। तो अगर आप पिछले 3 साल के पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बेहतर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। उसके अलावा आप हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव जो मॉक है वो मैं अपने एप्लीकेशन पे कराऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जब टेस्ट होगा तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच भी सिखाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR एक वृत्त में उत्कीर्ण एक समबाहु त्रिभुज है, एस चाप QR पर कोई बिंदु है और कोण PSQ का माप जो है कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से एक सर्किल है और इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक समबाहु त्रिभुज है और इसका नाम क्या दिया है, PQR। आगे बोला गया है एस जो चाप है वो QR पर, एस चाप QR पर कोई बिंदु है, यानी कि ये QR जो चाप है इस पर एक बिंदु एस है। फिर क्या दिया है, कोण PSQ की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि PSQ जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ठीक है, PSQ ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना है। अब आपको पता है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, क्लियर। उसके अलावा ये वाला देखो, ये एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है 1500 मीटर की रेस में एक्स बाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। उसी रेस का मतलब जो 1500 मीटर की रेस है उसमें जो है वो बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा ये आपको बताना है। तो ये एक एक्स है आपका, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है। अब एक्स जो है 1500 मीटर की रेस है, यानी कि एक्स पूरा 1500 मीटर दौड़ जाता है। अगर ये बाई को 100 मीटर से हराता है इसका मतलब बाई केवल 1400 मीटर दौड़ पाता है, और जेड को 240 मीटर से हराता है इसका मतलब जेड जो है वो केवल 1260 मीटर दौड़ पाता है। अब हमें कंपेरिजन करना है इसमें और इसमें। अब देखो 1400 मीटर बाई जाता है और जेड जाता है 1260, यानी कि अगर इनके बीच में कंपेरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि बाई जो है वो जेड को 1400 मीटर की रेस में कितने से हरा रहा है, भाई कितने से, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 140, यानी कि 140 से हरा रहा है। लेकिन 1500 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, तो 14 से 14 हटा दो, यहाँ पे बस 15 लगा दो, इसका मतलब है 1500 मीटर की रेस में ये इसको कितने से हराएगा, 150 मीटर से हराएगा। इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो 5 की पावर 4 और 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 और इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 4 हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 25 × 12/30 -1, तो यहाँ पे 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30 और 5×25 5 × 2 = 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 9, 25 और 9 कितना हुआ 34, तो 51/34 आएगा। तो 17 × 3 = 51, 17 × 2 = 34, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3/2, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखो भाई 35 क्या होता है, 7 × 5, यानी कि ये संख्या 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। 5 से कोई भी संख्या कब कटती है, जब उसके लास्ट में तो 0 हो या तो आपका 5 हो। तो देखिए यहाँ पे जो
आपका पांच है, पांच बनने की प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, किसी से पांच नहीं बन सकता, लेकिन जीरो बन सकता है, किससे, बाईस से बन सकता है। तो इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर एक रखोगे तो आठ और एक नौ हुआ, आठ तीन कितना हुआ, ग्यारह हुआ, एक हुआ, यानी कि पांच किसी भी कंडीशन में बनने की संभावना नहीं है, तो जीरो बनाएंगे। तो जीरो किससे बनना है, केवल पहले वाले ऑप्शन से बनना है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विभिन्न टॉफी फ्लेवर का उत्पादन 1000 पैकेट में, मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू है वो 1000 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में वाई के औसत उत्पादन के बीच का अंतर क्या है। 2017 और 2018 में एक्स की वैल्यू देखो, 2017 में एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, 2018 में कितनी है, 20 है, तो इसका एवरेज कितना हुआ, 20, क्लियर। उसके बाद 2019-2020 में बाई का, 2019 में बाई की वैल्यू ये है, 2019 में बाई की वैल्यू कितनी है, 32 है, और 2020 में कितनी है, 20 है, तो 32 और 20 कितना हुआ, 52, और इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 26, 26 और 20 का डिफरेंस कितना, 6, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 1000, इसका मतलब है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 6000 पैकेट, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो कितना होगा, 12 और 18 30, यानी कि ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा कैसे होगा उस चीज़ को आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको हिंट के रूप में समझा देता हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल आप स्क्वायर अगर बनाएंगे तो इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों बनाएंगे तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैल्यू 18 आ जाएगी, और यहाँ पे 18 54 माइनस का 54 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये 24 और 54 कितना हुआ, 78 हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 30। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, इसे डायरेक्ट भी याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये भी चेंजेस किया जा सकता है, देखो तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ये वाली जो टोटल वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे जो इसका कॉफिशियंट है, यहाँ पे जो कॉफिशियंट है, बस इनको जोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो 9600 है, तो उसी कपड़े के 147 मीटर का मूल्य क्या होगा। देखो 120 मीटर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9600 है, तो 147 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी आपकी भाई, 9600 बटे 120, तो 147 की वैल्यू कितनी होगी, 147 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 12 अट्ठे कितना हुआ, 96, यानी कि 80 से गुणा करोगे 0, 8 से 56, 8 चक्कू 32 और 5 कितना हुआ, 37, 3 8 इक्कन 8 3 कितना हुआ, 11, यानी कि 11760, क्लियर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 12 अट्ठे 96, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 80 के बराबर, तो 147 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 147 × 80, क्लियर, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू जो है वो बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कैनवास की आवश्यकता यानी कि कितना कपड़ा लगेगा, तो कपड़े का मतलब आपको क्या निकालना है, इसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बक पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है आपका, पाई आर एल होता है। अब आपको पता होना चाहिए शंकु का कॉन्सेप्ट क्या है, कि शंकु जो है वो समकोण त्रिभुज को आधार या ऊंचाई के पड़ता घुमाने पर बनता है, तो तुरंत हम समझ गए कि अगर त्रिज्या 6 है यानी कि ये वाली वैल्यू 6 है, ऊंचाई 8 है, तो 6 8 और 10 का टिपलेट होता है, यानी कि इसकी जो लैटरल हाइट होगी वो कितनी हो गई, 10 हो गई। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10,
तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 31.4 आया। इसको 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, हंसी लगा दो, 6 कन 6 दो कितना हुआ 8, और 6 3 18, यानी कि 188 पॉइंट कुछ आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट मान होता है पाई का 3.14, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप क्या करो सीपी निकालो। देखो 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब है 80% की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2000 बटे 80, तो ये 1% की वैल्यू आई इंटू 100। तो साल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से काटेंगे, 8 2 16, 8 5 40, यानी कि आपका 2500 रुपये इसका सीपी आ गया, और बेचा कितना जा रहा है 3000 का, यानी कि 500 का क्या हुआ बेनिफिट हुआ। 500 का फ़ायदा किस पे हुआ, फ़ायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे होता है। तो 500 का फ़ायदा हुआ 2500 पे, तो 100 पे कितना होगा, देखो 25, यानी कि 5 से काटोगे तो कितना जाएगा आपका 20%। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, यानी कि 85% केवल वोटिंग हुई, ठीक है, 15% लोग वोट डालने नहीं आए, उसके अलावा डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए, ठीक है। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल हैं, मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल हैं, और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हो, यानी कि इसको जो ये वोट मिले हैं ये टोटल तो वैल्यू दी है, लेकिन आपको वैध मतों से इनका परसेंटेज बताना है। तो वैध मत हैं कितने, देखो 85% आपकी वोटिंग हुई, 85% वोटिंग हुई, इसमें से 10% जो थे वो अवैध हो गए, 10% का मतलब 8.5 वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो 8.5 अगर इसमें से आप 85 में से अगर आप 8.5 यानी कि पूरा 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 76.5, यानी कि कितना जाएगा 76.5, 6 और 7 8 7 15, यानी कि ये जो है ये आपके वैलिड वोट हैं, ठीक है। तो पहले वैलिड टोटल वोट निकालो, वो कितने होंगे इसका 3 लाख का, कितना 3 लाख का, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख, इसका कितना 76.5%, यानी कि बटे 100। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया। तो बस डायरेक्ट कर लो, इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो 1,37,700 वोट हैं ये इसका किसका 300 × 765 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 चौक 12 आ जाएगा आपका, और फिर 3 5 15 और 3 9 27, ठीक है। यहाँ पे ये 6 बार जाएगा, इससे 765 छक्का इतना ही होता है, 6 5 30 और 6 6 36 और 3 39 हुआ आपका, और 6 7 42 और 3 कितना हुआ 45, यानी कि 6 बार जाएगा तो पूरा कितना जाएगा 60, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ये जो वैलिड वोट है उसका ये कितना परसेंट है 60% है। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है, दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी। तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। आपको पता होगा कि ट्रेन के केस में लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, और चाल का क्या सिनेरियो रहता है कि अगर एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उन्हें घटा के निकालते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड जोड़ के निकालते हैं। तो टाइम जो है वो कितना लगता है 25 सेकेंड, ये दिया हुआ है। हमें इनकी टोटल लंबाई निकालनी, यानी कि मान लेते पहली वाली ट्रेन की लंबाई ए है, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब समान दिशा में जा रही है तो इसकी चाल 70 है, इसकी चाल 34 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसमें से घटा दो आप तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 36, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 2 36 यहाँ पे कितना हुआ 5 2 10, 10 को इससे गुणा करोगे तो ए प्लस बी, यानी कि इनकी जो लंबाइयाँ हैं उनका योगफल कितना आएगा 250 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग जो है वो 324 है। इसका मतलब है उन संख्याओं का अंतर किस कितना होगा, इसका अंडर रूट ये किसका वाला स्क्वायर होता है 18 का, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 18। जबकि दी गए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 144 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर आपको बताना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो एक तरीका क्या है कि आप पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी का होल आप स्क्वायर और प्लस आपका 4ab। या आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो वो कौन सी संख्या होगी जिनके वो दो संख्याएं लो जिनके बीच का डिफरेंस 18 हो और जिनका गुणनफल आपका 144 हो। तो 24 और 6 इसका डिफरेंस कितना है आपका 18 और 24 छक्का 144 होता है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, एक संख्या 24 हो गई दूसरी 6 हो गई। तो इनके वर्गों का अंतर आपको निकालना है, 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 540, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर बिंदु इस प्रकार है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है, एडी और डीबी का जो अनुपात है वो 7:9 है, यदि सीडी और बी एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज सीबीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो फिगर बनाएंगे तो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। ये त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट डी और यहाँ पे पॉइंट ई, ठीक है, इसको इससे अगर हम मिला दें तो आपका दिया हुआ है डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, क्लियर। एडी और डीबी का अनुपात यानी कि ये है अगर 7 है तो ये 9 है। आपको पता है कि अगर ये इसके पैरेलल लाइन है तो ये वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। समरूप अगर त्रिभुज होगा तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो अगर ये 7 है तो बड़ी वाली भुजा कितनी होगी 7 और 9 16, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी भुजा और बड़े वाले की भुजा का अनुपात कितना होगा 7:16। तो इतना ही अनुपात यहाँ पर भी होगा 7:16, क्योंकि भुजाएं अनुपातिक होगी, जो अनुपात यहाँ पर होगा वही अनुपात यहाँ पर होगा वही अनुपात यहाँ पर होगा, यानी कि ये भुजा 7 हो गई ये 16 हो गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि CD और B एक दूसरे को F पर काटती हैं, यानी कि CD क्या है ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये एक दूसरे को किस पे काटती हैं F पे काटती हैं। तो त्रिभुज DEF यानी कि DEF ये वाला जो त्रिभुज है, उसके अलावा CBF यानी कि CBF ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखो ये जो त्रिभुज होंगे दोनों ये भी समरूप होंगे, समरूप अगर त्रिभुज हैं तो भुजाएं अनुपातिक होंगी और भुजाओं का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर होगा। तो अगर इसकी भुजा 7 है तो इसका एरिया क्या होगा 49 होगा, इसकी भुजा 16 है तो इसका एरिया क्या होगा 256 होगा, यानी कि एरिया का जो अनुपात होगा वो 49:256 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला जो है वो कथन जो है वो गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि 1 + tan² θ इज इक्वल टू होता है आपका sec² θ इज इक्वल टू क्या होता है 1 + tan² θ, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज XYZ में XY जो है वो 4 है, XZ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, Q जो है वो YZ पर एक ऐसा बिंदु है कि XQ जो है वो कोण X को समद्विभाजित करता है, तो YQ और QZ का अनुपात बताना है आपको। तो इस तरीके से हम पहले फिगर बना लेते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। XYZ एक त्रिभुज है, अब हमने ऐसा क्यों बनाया ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि 4 और 5 का जिक्र किया है, तो 4, 5, 3 का टिप्लेट होता है। अब यहाँ पे देखो XY यानी कि ये वैल्यू कितनी है 4 है, XZ जो है वो कितना है 5 है, उसके अलावा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q जो है वो YZ पर इस तरीके से कि इसको ये समद्विभाजित करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इसको समद्विभाजित करता है तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट अगर Q है तो ZQ अनुपात QY जो होगा वो कितना होगा 5:4 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है YQ / QZ, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 4:5 होगा, क्लियर।
तो अगर आपको थ्योरम पता है डायरेक्ट तो आप क्वेश्चन को मौखिक कर सकते थे। तो 4:5 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य जो है वो 4200 रुपये है और एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि इसका लाभ जो है वो 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट या लॉस दिया है तो यहाँ से हम रेशियो किसका निकाल सकते हैं, CP और MRP का। तो इसका मतलब है CP और MRP का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? जो डिस्काउंट है वो CP पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 5 का डिस्काउंट दिया यानी कि CP कितना हुआ 95 और 14 का फायदा हो रहा, ये किस पे ट्रांसफर हो जाएगा MRP पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 114। तो 19×95, 19×6 114, यानी कि CP अगर 5 है तो MRP कितना है 6, MRP कितना दिया 42, यानी कि 6 की वैल्यू जो है वो 4200 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 6×7=42, 700 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 5×7=35, यानी कि जो CP होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3500 हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 9500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है वो 11780 रुपये हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ब्याज मिल कितना रहा है, एक्चुअल में देखो यहाँ पे 5 और 1100 है, यानी कि 1500 15 7 कितना हुआ, यानी कि टोटल जो ब्याज है वो 2280 रुपये हमें चाहिए। टोटल ब्याज जो है वो 2280 चाहिए, इसका डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब देखो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 9500 का 8%, यानी कि निकाल लो कितना आ जाएगा 8/100, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 8×5=40, 80 लगा 4, 8×9=72 और 4 कितना हुआ 76। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 760, तो 2280 कितने साल में मिलेगा, 760 से डिवाइड कर दो आपका, तो ये इसका 3 गुना होता है, यानी कि 3 साल में ऐसा होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो पूरे टाइम एंड वर्क में वर्क हमेशा टोटल जो वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, इसी वजह से टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर आपको टोटल वर्क पता चल जाए और कैपेसिटी पता चल जाए तो आप किसी से भी काम करवा सकते हो, किसी का भी काम निकाल सकते हो। तो बस आपको टोटल वर्क चाहिए यहाँ पे और एक से अकेले काम करवाना है, यानी कि एक ही कैपेसिटी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को, देखो इस बात का जिक्र होगा यहाँ पे, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 60, यानी कि एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 6, यहाँ पे कितने लड्डू बनते हैं 5, और यहाँ पे कितने बनते हैं 6×5=60, 10 बनते हैं। अब देखो इनको जब जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 2A+B+C, तो लड्डू कितने आ रहे हैं भाई 6×10 कितना हुआ 16, 16×5 कितना हुआ 21, यानी कि A+B+C मिलके जो है लड्डू कितने बनाते हैं इसको डिवाइड करो तो 10.5 आएगा। अब देखो अगर हमें ए का लड्डू निकालना है तो इसका मतलब है बी और सी का लड्डू अगर हम माइनस कर दें तो ए का लड्डू आ जाएगा, तो ए का लड्डू कितना होगा इसमें से 5 माइनस कर दो, यानी कि ए एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 5.5 बनाता है, क्योंकि 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। तो टोटल 60 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा 60/5.5, तो पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 120 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा, यानी कि 120/11, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x+1/x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू होगी क्या। देखो इसको हम कह ले सकते हैं x^4 - 1/x^4 और x^4 + 1/x^4, क्लियर। अब इसको और आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो, x^2 - 1/x^2 और x^2 + 1/x^2 ये लिख सकते हो, और x^4 + 1/x^4 ये लिखा हुआ है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x-1/x, फिर x+1/x और x^2 + 1/x^2 और x^4 + 1/x^4, ये टर्म आ गया। तो अब देखो x+1/x की पावर
एक्स प्लस वन अपान एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर करो इसमें से 2 घटा दो तो कितना हुआ 23। ऐसे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 क्या होगा, 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529 में से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा आपका 527 आ गया। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें x माइनस वन अपान एक्स चाहिए, तो x प्लस वन अपान एक्स में से अगर हम x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4, दैट मीन अंडर रूट 21। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 21, एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू कितनी है 5, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 23, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 527। तो 7 3 21, 1 और 5 को गुणा करोगे तो 5 आएगा। देखो इसको सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन कार्य करता है। ठीक है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा होता है, यानी कि टोटल जो काम है वो 20 दिन में होता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, तो देखो अगर हमें टोटल वर्क पता चल जाए और ए और बी की कंप्लीट कैपेसिटी पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखो ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो हमने मान लिया जो टोटल वर्क है वो भी हमारा 15 है, टोटल वर्क जो है वो 15 है। इसका मतलब ए जो है वो 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है। ए जो है वो अगर टोटल काम जो है वो 15 है, ये 15 दिन में करता है, इसका मतलब है ए जो है 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है 1। अब देखो ये पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है, यानी कि ए केवल 4 दिन काम करता है, तो इसने लड्डू कितने बनाए 4। इसका मतलब है अगर टोटल कार्य 20 दिन में होता है तो बचा काम कितना, 11 लड्डू का काम बचा, और ये बी जो है इस काम को, देखो टोटल काम अगर 20 दिन में हो रहा है जिसमें 4 दिन ए काम कर रहा है, इसका मतलब है 11 लड्डू बनाने का काम बी जो है वो 16 दिन में करता है। इसका मतलब बी जो है वो 1 दिन में कितने लड्डू बनाता है, 11/16। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बी की कैपेसिटी। तो ए और बी की दोनों की कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि हमें टोटल वर्क तो हमें पता है, बस हमें इन दोनों की कैपेसिटी चाहिए। तो ए की कैपेसिटी क्या है 1 और इसकी कैपेसिटी क्या है 11/16, यानी कि इन दोनों की कैपेसिटी क्या है 27/16। तो 27/16 दोनों की कैपेसिटी आ गई, तो 15 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 15/27/16, 16 ही ऊपर चला जाएगा, 3 5 15 और 3 9 27, यानी कि 16 5 80 कितना जाएगा आपका 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल पूर्णांक कितना है 100 100 200 300 400 और यहाँ पे 550, यानी कि टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है 550। हितांश का टोटल नंबर जोड़ लो और उसे 550 से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो जो अच्छे क्वेश्चन है उन पे फोकस करना आपको जरूरी है, और एक आप फेयर कॉपी बना लो, जो अच्छे क्वेश्चन है उनके आप नोट्स बनाते चलो अभी से। क्या दिया हुआ है, ए और बी समान रूप से कार्य कुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, यानी कि ए भी जो है काम को 30 दिन में करता है और बी जो है वो भी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी ने इस प्रकार कार्य ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना आरंभ किया तो कार्य किस तिथि को पूरा हो गया। देखो यहाँ पे ये चीज़ समझो, यहाँ पे ए ने 4 दिन काम करने के बाद 1 दिन अवकाश लिया और बी ने 5 दिन काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, यानी कि टोटल जो हम टाइम पीरियड लेंगे वो 6 दिन का टाइम पीरियड लेके हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो भी किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी जो है वो भी 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमने मान लिया 30, यानी कि ये 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है और ये भी 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है। तो देखो अगर हम 6 दिन का पीरियड लें तो ए 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है तो 4 दिन में कितने लड्डू इसने बनाए 4 बनाए, फिर 5वें दिन इसने रेस्ट किया, 6वें दिन फिर ये 1 लड्डू बना देगा। इसी तरीके से बी का सिनेरियो क्या है, बी 5 दिन काम करता है और 1 दिन अवकाश लेता है, यानी कि इसने 5 लड्डू बनाए 5 दिन में, 5 दिन में टोटल इसके
टोटल 5 दिन में 5 लड्डू बन गए और एक दिन अवकाश रहा, यानी कि यहाँ पे 0 लड्डू बने। तो हम कह सकते हैं कि 6 दिन के टोटल पीरियड में 4 और 1 5, 5 5 10, यानी कि 10 लड्डू बनते हैं। तो 30 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, 3 से गुणा कर दो, यानी कि 18 दिन में टोटल 30 लड्डू बन जाएंगे। यानी कि 1 तारीख को काम अगर शुरू हुआ तो काम 18 अगस्त को जो है 18 दिन के बाद काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है राघव के अनुसार, एक्चुअल में ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और बात सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 69 किलोग्राम से कम है। उसकी माँ का मानना यह है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना यह है कि उसका वजन 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। देखो 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, तो यहाँ पे संभावनाएं क्या है। देखो उसका वजन 65 हो सकता है, 66 हो सकता है और 67 हो सकता है। बाकी जितनी संभावनाएं हैं वो सभी लोगों ने खारिज कर दी। तो इसका एवरेज निकाल लो भाई, 7 6 13 13 5 18 हासिल लगा, 1 6 6 12 6 18 और 1 कितना हुआ 19। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 18 3 4 18, यानी कि एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 66 होगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कब पॉसिबल है, अगर ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, अगर ए बराबर बी बराबर सी होगा तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के, मतलब ये जो ए वाले बी वाले पोर्शन है ये सब बराबर हो जाएंगे, सिर्फ डिजिट को आपको जोड़ना है। तो 11 और 13 कितना हुआ 24, 24 और 17 आपका कितना हुआ 41। ऊपर कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा 17 और 9 17 कितना हुआ 9 7 16, यानी कि 26 हुआ, 26 और 15 41 नीचे भी हो गया, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1 होगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है साइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू कॉस 5y प्लस 25। तो यहाँ पे जहाँ 5x माइनस 25 और 5y और प्लस 25 न्यून कोण है, तो x प्लस y की वैल्यू आपको बतानी। देखो अगर साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा है तो इन दोनों का जो, ये कब हो सकता है जब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो, अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 5x प्लस 5y की वैल्यू कितनी है 90 है। तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दें यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 18, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन अल्फा बराबर अगर आपका कॉस बीटा है तो ये कब पॉसिबल है, अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। कैसे, देखो साइन अल्फा इसे हम लोग कह सकते हैं कॉस को साइन 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस बीटा यानी कि कॉस बीटा होगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इधर ले आएंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखो कि अगर साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा है तो आप समझ जाओ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।